मोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े सभी महानुभाव, सम्मानित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस 7वें एडिशन में आप सबके बीच आना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। 21वीं सदी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये आयोजन करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। एक समय था जब हम फ्यूचर की बात करते थे तो उसका अर्थ अगला दशक या 20-30 साल बाद का समय या फिर अगली शताब्दी होता था। लेकिन आज हर दिन टेक्नोलॉजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहां एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स, आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है। हमारी टेक रिवॉल्यूशन को लीड कर रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहां 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया, यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के एक साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले एक वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में
भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग हर क्षेत्र तक पहुंचे, भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन्स की बात हो या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की या जैम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है, ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे। और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब
2,00,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे भी यही थॉट है। 10,000 लैब्स के जरिए हम करीब 75,00,000 बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ पाए हैं। मुझे विश्वास है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में 100 5G यूज केस लैब्स शुरू होने के आज के अभियान से भी ऐसा ही एक व्याप बढ़ने वाला है। नई पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। किसी भी क्षेत्र से हमारे युवा जितना अधिक जुड़ेंगे उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म और अपनी स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज से, मैं पक्का मानता हूं, आपको सरप्राइज कर सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में उस टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है और ड्रोन का ये भी उपयोग हो सकता है। हनुमान जी को इस रामायण के जो मंचन हो रहा था ना, तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा। इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। फ्रेंड्स, बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस स्टोरीज में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। क्यों, यहां स्टार्टअप वाले क्या कर रहे हैं? बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के top 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं।2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, लेकिन अब ये संख्या 1,00,000 के आसपास पहुंच गई है। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप को मेंटर और एनकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका एक कदम
भारत के युवाओं की बहुत मदद करेगा। लेकिन साथियों, इस पड़ाव पर हमें यह भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी, ऐसा ही होता था ना, जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था, बराबर है ना। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही, हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर हैं। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। तब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्लियर विजन नहीं था, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा। सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल के आईफोन 15 पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है। आज हम सबको इस पर गर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है। साथियों, आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं, टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें।
सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीज की पीएलआई स्कीम चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, विकासशील देश से विकसित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नोलॉजी। हम देश के विकास के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जहां भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। ऐसे ही हर सेक्टर में बदलाव लाने के लिए हम उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। हम सेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एग्री स्टैक, ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्वांटम मिशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी सरकार बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम इंडिजीनियस डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं। मुझे जानकर भी खुशी हुई कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस साथ मिलकर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एसडीजीज विषय पर एक इवेंट कर रहे हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ये एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप सभी ये जानते हैं